केम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक का एग्जाम्पल। तो देखते हैं आज हमको कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ मैन ड्रॉस टू बॉल्स फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। इफ ही इज रिसीव 14 रुपीज फ्रॉम एवरी व्हाइट बॉल विच ही ड्रॉन्स एंड 7 फॉर एवरी ब्लैक बॉल्स, वॉट इज हिज एक्सपेक्टेशन। यानी कि यहाँ पे हमको फाइंड करना है, एक मैन है वो 2 बॉल कलेक्ट करेगा बैग में से। टोटल कितने बॉल है उसमें? 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक, यानी टोटल 8 बॉल है, उसमें से वो पिक करेगा। अगर उसने व्हाइट बॉल पिक किया तो उसको मिलेंगे 40 रुपीज़, अगर उसने ब्लैक बॉल पिक किया तो उसको मिलेंगे 7 रुपीज़। तो वो सबसे ज़्यादा कितनी वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले हम 3 डिफरेंट केस ले लेते हैं, 2 बॉल हमको सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने बॉल है? एक है वाइट, वाइट है हमारे पास 3, और ब्लैक है हमारे पास 5, टोटल है 8 बॉल्स। अगर हम पकड़ लेते हैं कि दोनों वाइट बॉल आए, यानी कि बोथ आर वाइट। दूसरा केस ले लेते हैं हम, अगर दोनों ब्लैक हुए, बोथ ब्लैक। तीसरा केस ले लेते हैं हम, 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक। इसको हम नाम दे देते हैं X1, X2 एंड X3। इन तीनों के लिए प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X1, यानी कि दोनों वाइट बॉल हो, तो टोटल वाइट बॉल है 3, उसमें से सिलेक्ट करने हैं 2, तो 3C2 अपॉन टोटल है 8, उसमें से सिलेक्ट करने हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3/28। उसके बाद हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ X2। X2 बहुत ही सिंपल है, बोथ ब्लैक बॉल्स है, ब्लैक बॉल हमारे पास है 5, उसमें से सिलेक्ट करने हैं 2, यानी कि 5C2। टोटल है हमारे पास 8, उसमें से सिलेक्ट करने हैं 2, यानी 8C2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 10/28। उसके बाद है हमारे पास थर्ड प्रोबेबिलिटी, एक वाइट एंड एक ब्लैक, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ X3। एक वाइट यानी 3C1, एक ब्लैक यानी 5C1 अपॉन टोटल तो है 8C2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 15/28। उसके बाद हम वैल्यू फाइंड करते हैं कि X1 के लिए कितने रुपए जा सकते हैं, X2 के लिए कितने जा सकते हैं। तो X1 के लिए जा सकते हैं रुपीस, दोनों वाइट है, वाइट के लिए था 40 रुपीस, 40 × दोनों वाइट आए तो डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा 28 रुपीस। सेकेंड है X2 के लिए, X2 के लिए थे 7 रुपीस, दोनों ब्लैक बॉल है यानी 2, तो हो जाएगा 40 रुपीस। थर्ड था X3, एक वाइट एक ब्लैक, यानी कि 14 + 7 हो जाएगा 21 रुपीस। इसके ऊपर से हम टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का। यहाँ पे हमको लेनी है एक्स यानी X1, X2 एंड X3 की वैल्यू, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी मिली वो X1 यानी कि 28, उसके बाद 14, उसके बाद 21, उसके बाद उसकी जो प्रोबेबिलिटी मिली यानी कि 3/28, 10/28 एंड 15/28। इसके ऊपर से हम सॉल्व करेंगे, मीन म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा समेशन हो एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 28 × 3/28 + 40
टेन अपॉन 28 प्लस 21 15 अपॉन 28। यहाँ पे 28 कैंसिल, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 11.25। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 19.25 रुपीस। ये हो गई उसकी वैल्यू।